क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। दीपक जी क्या करते हैं? मैं SLMG में जॉब करता हूँ। अब की बार सपा या भाजपा? सपा की उम्मीद लग रही है। क्या समीकरण रहेंगे? अच्छे रहेंगे समीकरण। दोनों लोग एक ही बाइक पे बैठे हुए हैं, अब की बार क्या उम्मीद करें? सपा ही जाएगी इस बार। कौन है ये आपके? ये भाई है मेरा। तो भाई कहेंगे वहीं जाएंगे? अरे बिल्कुल, सब पूरा साथ है, पूरा समाजवादी पार्टी। क्या समीकरण? समीकरण ये उम्मीद पहले से ज्यादा बेटर है, समाजवादी का ही बोलवा। क्या लगता है अब की बार यंग है? जी हाँ, इस बार जो है समाजवादी पार्टी की सीट निकलेगी यहाँ से। यहाँ से निकली है। क्या करते हैं आप? मैं फार्मास्यूटिकल में जॉब करता हूँ। अच्छा, लोकसभा उपचुनाव माहौल क्या है जान लेते हैं। एक परचून की दुकान है, इस पे कुछ भाई बंद बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसू है। क्या करते हैं आप? बिजनेस है मेरा। अच्छा, क्या लगता है अब की बार जो उपचुनाव हो रहा है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद किस पार्टी पर रहेगा? क्या कमल खिलेगा या साइकिल? साइकिल ही जीतेगी। क्या समीकरण है? समीकरण क्या है, यहाँ तो सपा का माहौल है पहले से भी, इस बार ही सपा ही जीतेगी। और बहुत महंगाई हो चुकी है, बेरोजगारी है, इसलिए जनता परेशान है, इसलिए सपा ही को ही वोट देंगे। अब की बार सपा। बिल्कुल। क्या लगता है भैया जी अब की बार? सपा। क्या समीकरण रहेंगे? समीकरण ये रहेंगे कि मतलब यादव बाहुबल क्षेत्र है ये, वो हमेशा से नेताजी ने काम किया है, मैनपुरी को अपना माना है उन्होंने, और जो भी समस्या हुई वो समाधान हुआ उसका। तो अब की बार नेताजी का शिष्य जो मैदान में उतरा है, टक्कर दे पाएगा? टक्कर नहीं, फाइट में ही नहीं कोई उनके सामने। लेकिन गुरुमंत्र तो उसने नेताजी से ही सीखे थे। इससे क्या मतलब है, गुरुमंत्र सीखे थे, अब देखा जाएगा फिर। वैसे तो जो है कि अभी फाइट में तो कोई है नहीं। और भी लोग हैं पीछे, हम जरा बात कर लेते हैं। इसी गांव की रहने वाली हो? अब की बार क्या लगता है, सपा या भाजपा? का लग रहा, जो जीते जाते मोदी जीते वो तो इतनी दिक्कत ही दे है, तो का बताए दे तुम्हें। मोदी दिक्कत देते हैं। मैनपुरी में अब की बार साइकिल चलेगी या कमल खिलेगा? कमल खिले, साइकिल चले, कमलों खिले, और का नहीं। ए, ए, भाई अब इस समय जो साइकिल चलेगी। हाँ, साइकिल चले। तो वोट किसको दोगे अब की बार? साइकिल। साइकिल। क्या लगता है गुड़िया, वोट क्या आपका बना है? अच्छा, वोट नहीं बना है, लेकिन जो जनरेशन इस समय सत्ता चल रही है, क्या युवाओं को नौकरी से लेके कुछ लोगों को लाभ हुआ है? नहीं हुआ। अब की बार मैनपुरी में क्या लगता है, ये तुम्हारी वाली साइकिल दौड़ेगी या? दौड़ेगी। पुश कर देना बाबू। राम राम जी, क्या लगता है अब की बार? कैसे चुनाव है, भाजपा जीतेगी या सपा? अब हम अब चुनाव बता सकते? अरे अब नहीं बताए तो मेरे चचा कब है बताओ? देखो, हम दुकान के बारे में, जैसे दुकान में बैठ गया तो फिर जैसे चार आदमी आते हैं तो कोई भाजपा को बताते, कोई मतलब। अच्छा, आपके दिल से क्या निकलता? हमारे दिल से तो मतलब सपा ही निकले। सपा निकलती है। किस वजह से सपा जीतेगी? अब जो लोग समझना बताते, बाकी वजह से। बाकी वजह से नेताजी के निधन के बाद उन्हें सहानुभूति का वोट मिलेगा। इनको दद्दा को वोट दो जाइए, दद्दा को वोट दिया जाए। आज आपको हमें घेरना है। क्या लगता है अब की बार का चुनाव है ना, सपा या भाजपा? हम कहा जाने का लाए, वोट नहीं डालते हो? वोट देने तब देखी जाए। बता दो अब की बार दिल से कि कौन सी पार्टी जीतेगी? अब जो सी जीते थे हम कहा बता जाने की हो। अरे आपका अधिकार है, कुछ तो ठीक लगता होगा ना। अच्छा, सपा अच्छी लगती है कि भाजपा का? सरकार तो सपा ही बढ़िया है। सरकार सपा की बढ़िया है। चलो और भी हैं, क्या लगता है दोस्त, अब की बार सपा या भाजपा? सपा। भाजपा या सपा? सपा ही लगा था भैया। किस वजह से बताए दे? का मतलब हमें सब सुविधाएं मिलती हैं, सुविधाएं सब मिलती हैं। और भी कई लोग हैं, रुक जाना बाबू, खड़ी कर ना। क्या नाम है आपका? पीके मिश्रा। क्या करते हैं? ठेकेदारी। ठेकेदारी। सपा या भाजपा? भाजपा। किस वजह से? ये तो पैतृक है हमारी भैया। ठेकेदारी करते हो इसलिए?
नहीं नहीं, पैतृक हमारे पिताजी भी भाजपा में थे। मैनपुरी में क्या स्थिति रहेगी? मैनपुरी की अभी तो नहीं कह सकते, जनता करेगी वो होगा भाई। अब जनता करेगी या आप लोग करेंगे वो होगा? हम तो तन मन से कर रहे हैं। तो तन मन से कहाँ सपोर्ट कर रहे हैं? बीजेपी को। अच्छा, तो मैनपुरी की स्थिति बता दो। अब मेरे तो प्रयास ये रहेगा कि बीजेपी निकले। अच्छा, कितना चांस लगता है? हमारी अपनी पोलिंग तो पूरी हम जिता के रहेंगे। और भी हैं भैया, क्या लगता है अब की बार भाजपा या सपा? सपा जीतेगा। क्या समीकरण रहेंगे? समीकरण सपा ही रहे, बिल्कुल क्लियर है सपा। माहौल क्या है? मैं हम आज डोर डोर लोगों से बात कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं अब की बार सपा या भाजपा? सपा। क्या समीकरण रहेंगे? सपा के हमेशा समीकरण अच्छे रहेगा, सपा का गढ़ है। लगा जो नेताजी की विरासत है वो सुरक्षित रहेगा? नेताजी की विरासत है, नेताजी ने यहाँ के लिए काम किया है, यहाँ की जनता के लिए काम किया है, विकास किया है। डोर टू डोर आज हम गणेशपुर गांव में जब पहुंचे तो जो जनता का रुझान था, एक तो नेताजी की सहानुभूति, दूसरा मैनपुरी को जो नेताजी की वजह से पहचान मिली थी, यहाँ के विकास, तमाम ऐसी उपलब्धियां जो नेताजी के पक्ष में जाती हैं, और उनकी बहू जो कि सपा प्रत्याशी हैं और विरासत उन्हीं को मिली है वो सुरक्षित रख पाएंगी, यह जनता गणेशपुर का मूड है। प्रवीण सक्सेना, भारत समाचार।